के गुड उलझने में मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और बगल में टार्जन है, वो बोल रहा है। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो हम लोग सुबह ही उठ गए थे, मैं और कबीर, और हमारे चाय नाश्ता हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, चाय हमारी फिनिश हो गई है और ये मिलिए कबीर से। गाइस गुड मॉर्निंग, गाइस राधे राधे। शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, कल एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। कल हिंदी का है ना? कल हिंदी का है और हिंदी मेरी बहुत थोड़ी है वीक, हिंदी और संस्कृत, बाकी तो हम कर लेंगे, लेकिन हिंदी का है पहला एग्ज़ाम। तो काफ़ी शेड्यूल जो हमारा हेक्टिक होने वाला है और बस पूरा दिन पढ़ना है और कुछ नहीं, है ना। और इसने मुझसे कहा है कि मुझे मम्मी थोड़ा सा दोहा बता देना, दोहे इसको मैं ही बता, दोहे और वो पोएम्स, क्योंकि पोएम्स मेरे को समझ आती है नहीं, ठीक है। और धूप चल रही है बहुत तेज, तो हम लोग ऐसे करके पीछे शॉल लगा लिया, पीछे शॉल पूरा सिस्टम बैठा कर, है ना। तो मेरी भी तबीयत में अब थोड़ा सा आराम है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे हम नहीं बता सकते कब आपको ऑपरेशन कराना है। तो जब रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार मुझे लगता है जल्द ही कराना पड़ेगा, इसी महीने ही, तो फिर प्रॉपर मुझे आराम टार्जन फिर मुझे प्रॉपर आराम हो जाएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आपके संग, ये सब तो लगा ही रहता है ना। मैंने कल सोया मेथी काट के रखी थी, अब मैं धूप में बैठे बैठे थोड़ा सा आलू काट लेती हूँ और बनाने जा रही हूँ आलू सोया मेथी की सब्जी, और आज शाम तक ये आ जाएंगे। इनका भी मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, जब सुन ली मेरी तबीयत इन्होंने कि कुछ ख़राब है तो इनका दिल नहीं लग रहा है, तो ये कह रहे हैं शाम तक ये, वैसे भी आना ही था इनको, तो कह रहे जल्द ही आ जाएंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आपके संग और कबीर को यहाँ पढ़ने देते हैं और मैं आलू धूप में बैठ के काटती हूँ। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 1 और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, समझ लीजिए 70-80% पढ़ लिया है मैंने, बस रिवीजन करना है। एंड ये देखिए मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं धूप में नहा धोकर, मैंने नहीं नहाया, क्यों झूठ बोलना गाइस, मैंने नहीं नहाया और मैं कल ही नहाऊंगा जाकर। आज क्या है गाइस, थोड़ा मन नहीं होता नहाने का, कौन नहा, वैसे भी नहाना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। और मम्मी यहाँ बैठी हैं धूप में पानी पी रही हैं, नहाना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ गाइस, क्योंकि नहाने से टाइम वेस्ट होता है, बड़ा कीमती है, हाँ नहाने से टाइम वेस्ट होता है। और इसी के साथ मम्मी बाहर धूप विटामिन डी ले रही हैं, और जो दीदी हैं, दीदी के आज दोस्त आने वाली हैं, तो उसके लिए दीदी प्रिपरेशंस कर रही हैं। प्रिपरेशंस मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ये देखिए दीदी लाई है दूध। आपकी दोस्त चाय पीती है? ये तो चाय पीती नहीं दीदी, आपकी दोस्त पीती चाय पीती है, हाँ। तो मैं इसको अभी दूध ही दिख रहा है कि दूध लेकर आई हूँ, बाकी सारी चीजें मैंने रख दी हैं। अच्छा, और जैसे दीदी अगर सिर्फ दीदी चाय नहीं पीती है घर में, तो कोई भी अगर लड़की चाय पीती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये कैसे चाय पी रही भाई, क्योंकि हमारे यहाँ देखो वो संजय बुआ के यहाँ भी है ना, और मन्नू भी नहीं पीती है, तो मतलब काफी अजीब सा लगता है कोई कहता हाँ भाई मैं चाय पीता हूँ, चाय लवर है। तो दीदी आप अपने दोस्तों के लिए क्या बनाओगी आज? मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कुछ भी बना दो, तो मैंने कहा कुछ भी कहोगे तो हम कभी नहीं बना पाएंगे, तो मेरी दोस्त ने कहा कि ठीक है वेज बिरयानी बना दो, तो मैं वेज बिरयानी बनाने जा रही हूँ अभी जा रही हूँ। और चाची कहती चाउमीन बना लो, तो मैंने कहा चाउमीन शाम को बना लेंगे जब चाचा आएंगे। चाचा? अच्छा पापा, हाँ तो हम लोग क्योंकि चाउमीन चाचा को भी पसंद है। ओके, और फिर वो जब वो आएंगे तो गरम गरम रहेगी, हाँ तो फ्रेश फ्रेश आएगी, और अभी बना के रख देंगे तो कोई फायदा नहीं है। और फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं छत में, क्योंकि बालकनी में धूप खत्म हो गई थी जितनी थी हम लोगों ने
धूप सेक ली थी, मगर अब हम लोग आए हैं छत में, और छत में बहुत तेज हवा चल रही है, और धूप तो है मगर हवा भी चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं, क्योंकि जुकाम है ना, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो मैंने कहा धूप में अच्छा लगेगा। और कबीर भी धूप में आ गए हैं मेरे संग, है ना, तो आज ये मेरे संग संग लगा हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए, वरना ये अपने में मस्त रहता है है ना। और मैं छत पे ले आई हूँ कबीर के लिए ग्लास में दूध, अपने लिए दूध, वैसे मैं दूध पीती नहीं हूँ, सिमरन दूध लेके आई थी, पका रही थी, तो मैंने कहा लाओ आज थोड़ा थोड़ा। कबीर को भी मेरे ख्याल से 2 दिन से मैंने दूध नहीं दिया था, तो मैंने कहा ये भी पी लेता मैं भी, तो हालांकि 1 कप से क्या ताकत आएगी, मगर संतुष्टि के लिए पी ले रहे हैं। और सिमरन नीचे बना रही है, उसकी फ्रेंड्स आ रही ना, तो बना रही वेज बिरयानी, तो लंच वही बना देगी, शाम तक ही आ जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा धूप में बैठते हैं, देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है। आज की वीडियो थोड़ी बहुत कबीर मेरे से हेल्प करा रहा है, क्योंकि अभी भी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है ना, तो जितना हो सकता है वो मेरे संग कोऑपरेट कर रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे संग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए गरम गरम दूध पीते हैं, थोड़ा सा मैंने कबीर के लिए बॉर्नवीटा डाला है, तो अपने लिए भी इसमें डाल दिया है ना। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं अभी सो कर उठा हूँ, क्योंकि थोड़ा थक गया था तो सो गया था मैं, 2 घंटा सो गया हूँ ना। और मम्मी यहाँ लेटी हुई है, और गाइस फ्रेंड आई थी ना, जैसा बताया था, तो दीदी बनाई है चौको लावा केक। आपकी फ्रेंड नीचे, फ्रेंड चली गई, मेरी फ्रेंड जा चुकी है, वो खाना खा के चली गई, जैसे कि शायद आपको कभी नहीं दिखा, मैंने वेज बिरयानी बनाई थी, और अभी कबीर सो गया तो मैंने बनाया चौको लावा केक, तो अभी कबीर खा कर बताएगा कैसा बना है। ये रहा चौको लावा केक, ये देखिए, ओहो, तो दीदी ने बिना माइक्रोवेव के बनाया है, मैं खा कर आपको बताता हूँ कैसा। तो चाचा भी आने वाले हैं, चाचा रास्ते में हैं, और उसके बाद आपको और भी चीज़ें दिखेंगी जो कि मैं बनाने वाली हूँ आपको व्लॉग में, आप कंटिन्यू बने रहना, और अभी कभी टेस्ट करके बताएगा कि चौको लावा केक कैसा बना है। yes. आज सिमरन की छुट्टी है, तो आज सिमरन बहुत सारे काफी सॉफ्ट है, सिमरन एक्सपेरिमेंट बहुत करी, सुबह बिरयानी बनाई, अभी केक बनाई, अभी चाउमीन बनाई ना सिमरन। अच्छा बना कबीर, वैसे अच्छा ही रिव्यू देता है। हाँ, मैं अभी चौमिन भी बनाऊंगी, मैं चाची को कोशिश कर रही हूँ कि उनको मैं चाची को थोड़ा आराम दूँ, तो अभी आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज सिमरन जल्दी आ गई थी ऑफिस से, मतलब उसको बस 1 घंटे के लिए जाना था, तो वो तब से ऊपर ही है मेरे लिए, और बिरयानी बनाई थी उसने, वेज बिरयानी है, उसकी फ्रेंड भी आई थी ना, वो खा के जा चुकी है, और मुझे भी थोड़ा सा अब आराम हो गया है, और अभी केक बना के लाए, ये देखिए चौको लावा केक मेरे लिए, अभी मैं खाऊंगी। अब उस अब कह के गई है कि वो चाउमीन बनाएगी, तो उसका दिल कर रहा है चाउमीन बनाने का, और ये भी आ रहे होंगे रास्ते में, खा के देखते। देखिए जैसे चौको लावा केक फूला फूला होता है, वैसे ही देखिए फूला फूला। हमारे यहाँ माइक्रोवेव या ओवन नहीं है, तब भी बेचारी ने देखिए एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत बढ़िया, अब बीच में चॉकलेट भी डाली है, ये देखिए। बढ़िया बना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कबीर कैसा लगा? बहुत टेस्टी। हम लोग जैसे ही सो के उठे, वैसे सिमरन ले आई है, तो अब कबीर फिर से कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कल पहला इनका हिंदी लिटरेचर का टेस्ट है। अब मैंने भी अपने घर पे फ़ोन पे बात करी, तो पापा मम्मी लोगों से बात कर लो तो मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी हिम्मत मिलती है, तो बात करी, बड़ा अच्छा लगा। अब मैं बात करने के बाद फिर मैं लेट गई, मतलब सो गई,
और जैसे ही उठी सिमरन केक ले आई। परिवार सब साथ में होता तो बड़ा अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे मतलब कोई मुश्किल हो तो सुख में तो साथ होते ही हैं सब। तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो सब साथ साथ में हैं, है ना कबीर? सब साथ में तो अच्छा है ना? सब अच्छा है। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो आगे का रूटीन होता है वो देखते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:07 में, कितने बज रहे हैं? हाँ तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हॉट वो जो कपकेक बनाया था दीदी ने चॉकलेट वाला, उसको खाने के बाद दीदी ने फिर से नई चीज़ बनाई है जो कि मैं दिखाता हूँ। सुबह से कुछ ना कुछ बन ही रहा है और दीदी ये बनाई है नूडल्स चाउमीन है और बहुत अच्छी लग रही है। इसको हम चॉपस्टिक्स के साथ खाएंगे। चॉपस्टिक्स दूल्हे तो ये देखिए चॉपस्टिक्स है इधर, तो उठा लेते हैं हम अपनी मन की कौन सी वाली ले। मैं लेना चाहूँगा ये वाली अच्छी लग रही है। हाँ ये वाली लेते हैं गाइस, है ना? और इसको हम ऐसे रख देते हैं और इसको ऐसे रख कर तो हमारे कबीर खा कर बताएगा कैसी बनी है। हाँ चलिए मैं चलता हूँ खा कर, फिर आपको बताता हूँ कैसी बनी है। तो कबीर आप बताएगा कैसी टेस्ट है। तो थोड़ा कम वाइट लेंगे, छोटी वाइट। बहुत टेस्टी बनी, थोड़ी तीखी है, गरम है इसलिए तीखी लग रही होगी, पर मैंने मिर्ची वैसे डाली नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च डाली है। और कल से कबीर मेरे को सारे खाने में थम्स अप दे रहा है, मतलब अच्छा। हम डबल थम्स अप देंगे और अच्छा। वैसे कबीर मेरे खाने को कभी गंदा नहीं बोलता है। तो कबीर तो खाना खा लेते हैं, फिर अभी पापा भी आने वाले हैं, जब पापा आएंगे फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, और आज आपको पता है मैं कानपुर चला गया था और मेरे जाते ही मेरी श्रीमती जी की तबीयत नासाज हो गई, तो मैं आ गया हूँ तो काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हो गई। ये देखिए कैसी है तबीयत अब, ठीक है ना? तो बच्चों ने हमारा ना सबने कबीर, तन्मय, सिमरन और नीचे भाभी ने सबने मिलकर ख्याल रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए मैं आया हूँ तो मैंने आते ही सबसे पहले हाथ मुंह धुला और भगवान को प्रणाम किया भगवान के सामने, और फिर सिमरन ले आइए नूडल्स, है ना? गुड़िया की तबीयत अब ठीक है, कल एक जांच कराई थी इसने, तो वो रिपोर्ट कल आएगी, फिर रिपोर्ट आने के बाद फिर डिसाइड करेगा डॉक्टर कि आगे क्या करना है, ठीक है ना? और उस तब के कारण उनको इतना सोच लिया कि इनको फीवर भी आ गया, कोल्ड भी हो गया। तो दोस्तों आप लोगों से यही दुआ है कि हमारी श्रीमती के लिए दुआएं करें कि वो ठीक रहें, स्वस्थ हो जाएं, जल्द से जल्द खुश रहें। तो रात के बज रहे हैं 10 और आके मैंने अभी मतलब थोड़ा काम निपटाया, है ना? फिर खाना खाया, सिमरन आई थी खाना बना के गई थी और हमने खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली और गुड़िया की तबीयत अब पहले से बेहतर है ना, इम्प्रूवमेंट है, दवा खाइए, जुकाम भी हो रखा था। और दोस्तों बस यही है, और कल इनका कबीर का है एग्ज़ाम हिंदी का, और अच्छे से इन्होंने तैयारी कर ली है ना, बस उम्मीद करते हैं अच्छा जाएगा और बढ़िया जाएगा, क्योंकि मेहनत दिख रही, देखिए वो एक अलग बात है बट बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत इम्पोर्टेंट होती है। नंबर्स पे हम नहीं बिलीव करते बट एफर्ट्स 100% होने चाहिए। और इस ब्लॉग को फिर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और मैं दिन भर था नहीं क्योंकि मैं कल गया था कानपुर तो वहीं स्टे कर गया था, और गुड़िया अभी आ रही हैं। गुड़िया जी आ गई, चलो तुम अपना सोने तैयारी करो, है ना? गुड नाइट बोल दिया इन्होंने। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, और जैसा भी हम लोगों से बना है थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा। हाँ क्योंकि दोस्तों अब एक्चुअल में अब रूटीन सही हो रहा, इधर अभी लास्ट मंथ से ठंडियाँ पड़ रही थी
तो रूटीन सब डिस्टर्ब हो गया था, तो कभी नेटवर्क का इशू, कभी अपलोडिंग का इशू, कभी ठंड का इशू, तो कुछ ना कुछ कंसर्न रहा। बट हम चुनौतियों से नहीं घबराते हैं, बट ये कि हम अपना वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, या आपके जो व्यूज़ हैं और कमेंट्स हैं हमें पता चल रहा है, सबको थैंक यू सो मच। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशल थैंक्स हम बोलना चाहेंगे हम दोनों लोग, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना अपना सभी लोग ख्याल रखें, और जो बच्चे हमारा ब्लॉग देखते हैं उनके भी अगर एग्ज़ाम चल रहे हो तो हम अभी से ऑल द बेस्ट उनको बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें, और जब टाइम मिले तो ही ब्लॉग देखें, ठीक है ना। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, चेंज कभी हो रहा है गर्मी भाई। लगती है कभी ठंडी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के संग, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत सब्सक्राइब भूलिएगा, करिएगा, है ना। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट, कल शुभ मिलते हैं, रात्रि कल सब। मिलते हैं, गुड नाइट।